हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम्स पे। और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स क्विज़। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलें। इस चैनल पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनकी आपको ज़रूरत है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस कहीं ज़्यादा हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें और पसंद आने पे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने FSSAI प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर टू की ओर चलते हैं, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो बंधन बैंक ने अपने ग्राहकों को पूरी सेवाएं प्रदान करने के लिए देने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बंधन बैंक की 1000 शाखाओं में 40 लाख बचत बैंक खाता धारकों को यह क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द किंग ऑफ हमाद ऑर्डर ऑफ द रिमेंस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो श्री प्रधानमंत्री मोदी को खाड़ी राष्ट्र के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके प्रयासों के लिए हमाद बिन इंसा अल खलीफा यानी कि बहरीन के राजा के द्वारा द किंग ऑफ हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनेसेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के मनामा में 200 वर्ष पुराने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के लिए 2 मिलियन डॉलर की पुनर्विकास परियोजना का भी शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, रुपए कार्ड का यूज करने वाला मध्य पूर्व देश कौन बना? तो सही उत्तर है UAE। इसके साथ ही आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द जायद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यदि हम बात करते हैं अबू धाबी के प्रिंस की, तो उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फाइव, कैडेट विश्व चैंपियन कौन बनी? तो सही उत्तर है कोमलिका बारी। तो कोमलिका बारी विश्व कैडेट चैंपियन बनी। इन्होंने भारत के लिए 2 स्वर्ण यानी कि 2 गोल्ड और 1 कांस्य पदक जीते हैं। ये 17 वर्ष की हैं और विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में इन्होंने जीत हासिल की। जापान के सोनोडा बाका को हराकर इन्होंने यह खिताब जीता है। 2009 में कोमलिका यह जीतने वाली दीपिका कुमारी के बाद भारत की दूसरी रिकर्व कैडेट विश्व चैंपियनशिप बनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सिक्स, BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गए? तो राइट आंसर है साई प्रणीत। तो साई प्रणीत जो 27 वर्ष के हैं, BWF यानी कि विश्व चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक जीतकर ये बन गए हैं दूसरे खिलाड़ी। यदि हम बात करते हैं कि विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने किसने वर्ल्ड टॉप किया है, कौन जीता है, तो ये जापान के खिलाड़ी हैं केंटो मोमोटा। इन्होंने इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। यदि हम बात करें कि BWF विश्व चैंपियनशिप 2019 कहाँ हुई थी, तो स्विट्ज़रलैंड के बेसल में हुई थी और 19 से 25 अगस्त तक इसे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन,
बिलियंस स्टार्टअप द अनटोल्ड स्टोरी फ्लिपकार्ट स्टोरी, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है मिहिर दलाल। मिहिर दलाल ने इस पुस्तक को लिखा है। यदि हम बात करते हैं कि इस पुस्तक की लॉन्चिंग कब की जाएगी, तो अक्टूबर 2019 में इसे लॉन्च किया जाएगा और यह पुस्तक पैन मैकमिलन इंडिया के द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यदि हम बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी, तो अक्टूबर 2007 में हुई थी और फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डायरी ऑफ मनु गांधी की पुस्तक का अनावरण किसने किया? राइट आंसर है संस्कृति मंत्री जो हैं प्रहलाद सिंह पटेल। आपको बता दूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के माध्यम से उनकी सहायता से महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के अभिलेखागार यानी कि लाइब्रेरी के द्वारा इस पुस्तक को पेश किया जाएगा। इसका अनुवाद डॉक्टर त्रिदीप सुवहद ने किया है और इसे लिखा है और इसका अनावरण किया है संस्कृति मंत्री जो हैं प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रक्षा सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? राइट आंसर है अजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 10, कैबिनेट सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? राइट आंसर इज राजीव गौबा। क्वेश्चन नंबर 11, 45वां शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में ये आपका होमवर्क है। उम्मीद है कि आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। बांद्रा स्टेशन के विरासत डाक टिकट का शुभारंभ किसने किया? तो बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने बांद्रा स्टेशन के विरासत डाक टिकट का शुभारंभ किया। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि पसंद आया हो, यदि आपके लिए यूज़फुल साबित हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।